प्रदेश के अंदर पिछले चार वर्षों की हमारी उपलब्धियों में ये भी है कि पिछले चार वर्ष के दौरान ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाया जा सकता था। आज मैं इस बात को बड़े हर्ष और गौरव के साथ कह सकता हूं कि विगत चार वर्ष में सभी पर्व और त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के अंदर संपन्न हुए। और यही नहीं, चार वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, बल्कि प्रदेश सरकार ने पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ, प्रदेश में शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की वो देश के अंदर एक मानक भी बनी और उसके परिणाम देश के अंदर भी और हर एक तबके ने उसको बहुत सकारात्मक भाव के साथ लिया। और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश के बारे में लोगों के मन में एक धारणा बदली। आज प्रदेश व्यापक निवेश की संभावना का एक सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में बना है, जहां पर पहले कोई आना नहीं चाहता था, असुरक्षा का भाव था, दंगों के कारण संपत्ति की क्षति का भय होता था। आज उसे इस बात का भय नहीं है। आज हर एक देश और दुनिया का निवेशक का पहला निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य कोई दिखाई देता है तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश उसका सबसे अच्छा गंतव्य है। पुलिस रिफॉर्म के मामले में भी हम लोगों ने इस दौरान अच्छे काम किए। वर्षों से जो मांग होती थी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की, वह हम लोग प्रदेश के अंदर लागू करने में सफल हुए। प्रदेश की राजधानी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम से जुड़ा है। पुलिस के अंदर रिफॉर्म की अन्य जो प्रक्रिया होनी थी या वहां पर पुलिस कर्मियों के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए, चाहे वह पुलिस लाइन में पुलिस बैरक की स्थापना या पीएसी के जर्जर आवासों के स्थान पर उनको अच्छे आवासीय बैरक के निर्माण की कार्रवाई हो, पुलिस थानों में बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता का हो, ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। हर एक थाने में 1535 थाने, 350 तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करने के साथ ही प्रदेश के अंदर यह भी प्रयास प्रारंभ किए गए कि जो जर्जर थाने थे वहां पर नए भवनों का निर्माण हो। जिनका क्षेत्रफल ज्यादा था, इस दौरान हम लोगों ने कुछ नए थानों की स्थापना भी प्रदेश के अंदर 59 नए थाने, 29 नई चौकियां, 4 नए महिला थाना, आर्थिक अपराध शाखा के 4 थाने, विजिलेंस के 10 थाने, साइबर क्राइम के 16 थाने और फायर टेंडर के 59 यानी 59 नए केंद्रों की स्थापना भी प्रदेश के अंदर इस दौरान करने में हमें सफलता प्राप्त